बिग बॉस सीजन 16 में एक कंटेस्टेंट हैं जो हर रोज रोती हुई नजर आती हैं। वो हैं छोटे पर्दे की इमली यानी सुम्बुल तौकीर खान। इन्हें हर वीकेंड के वार पर सलमान खान से फटकार लगती है और हाल ही में अपने पापा के साथ फोन पर बात करने को लेकर सुम्बुल घर वालों के निशाने पर भी आ गई हैं। अब सुम्बुल से एक और गलती हो गई है, उन्होंने बिग बॉस के घर का एक बड़ा नियम तोड़ा है। हुआ ये कि पिछले दिनों घर में फहमान खान ने एंट्री ली थी। सुम्बुल इन्हें देखकर खुश हो गई थी क्योंकि फहमान इनके खास दोस्त हैं। बिग बॉस ने पहले बताया कि फहमान घर में वाइल्ड कार्ड बनकर आए हैं। बाद में पता चला कि वो तो बस अपने शो का प्रमोशन करने आए थे। अब बाहर जाकर फहमान ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसके बाद सुम्बुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फहमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो सुम्बुल को थैंक यू जंगली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही फहमान ने बताया कि सुम्बुल ने उनके बैग में एक खास नोट लिखकर डाला जिसमें आने वाले सीरियल के लिए उन्हें गुड लक कहा था। आपको याद दिला दें कि बिग बॉस के घर में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। पेपर, पेन या किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल वर्जित है जिससे आप किसी को कोई मैसेज लिख सकें। अब सुम्बुल ने ऐसा किया है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस उन पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। आपको बता दें कि सुम्बुल ने ये पहली बार नहीं किया है, वो ऐसा पहले भी कर चुकी हैं। जब साजिद खान कैप्टन बने थे तो उन्होंने घर में काम का विभाजन करने के लिए चिट निकालने की सलाह के साथ साथ अपना लिपस्टिक दिया था पेपर पर लिखने के लिए। बिग बॉस ने तब सुम्बुल को इसके लिए सजा भी दी थी। वही गलती सुम्बुल एक बार फिर दोहरा चुकी हैं। ऐसे में देखते हैं कि बिग बॉस इस बार सुम्बुल को क्या सजा देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।